दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत। पूरे भारत में लॉकडाउन पहले 21 दिन का था, उसके बाद फिर पीएम मोदी ने 19 दिन यानी 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इसलिए गरीब मजदूरी करने वाले लोग अपने गाँव को पैदल ही जाते दिखे। ऐसे में एक बड़ी दुख देने वाली घटना घटी। अधिक जानकारी के अनुसार एक परिवार जो महागांव यौतमल का पुणे में मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते इन पर भूखमारी हो जाने से ये परिवार पुणे से पैदल महागांव यौतमल अपने गांव आ रहे थे। इन परिवार में पति पत्नी, एक 3 साल की लड़की थी जो पैदल अपने माता पिता के साथ थी। पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी। पैदल चलते चलते पत्नी को पेट में दर्द से अहमदनगर के छोटे से गांव नेवता में रोड पर ही एक छोटे बच्चे को जन्म दिया। इस पर कुछ गांव के लोगों ने इनकी मदद की और रास्ते में जाते हुए एक डॉक्टर की नज़र इन पर जाने से डॉक्टर अविनाश काड़े ने अपनी कार में इन परिवार को ले जाकर अहमदनगर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद वहां से इन दोनों को महागांव जिला यौतमल कार से छोड़ा गया। इस पर इन परिवार वालों ने सबको धन्यवाद कहा और कहा कि ऐसे मुसीबत में इंसानियत बाकी है।